क्या चाहिए बताओ, मांग हम दिला देंगे। क्या चाहिए? हम यही हैं। क्या चाहिए बता? ये चाहिए, केक चाहिए। आप भी पापा से मंगाते, आप भी पापा से मंगाते। कैसे खाओगी? ऐसे खाओगी? ये चाहिए। ठीक है ठीक है, आप भी मंगा दे रहे बेटा। चाहिए, क्या चाहिए? ओ आप भी अभी पापा से मंगा दे रहे थे। कहा गया तुम्हारा, इसके लिए ललचा रही थी। निकाल बेटा, निकाल दे। अरे बाप रे बाप, पेशेंस नहीं है। क्या करना है, काटना है कि ऐसे ही खा लेना है? टेबल पे रख दे। कहाँ काटोगी? बाप रे, लालची बच्चा। बिना काटे खा जाओ, खाओ खाओ, तुम्हारा ही सारा। मेरा हैप्पी बर्थडे। लालची बच्चा, केक के लिए कितना ललचाया था। डायरेक्ट मुंह से खा लो, खा लो, डायरेक्ट मुंह से खा लो। कपड़े भी नहीं। देखिए इनको केक खाना कितना पसंद है, और ये टीवी में केक देख के इतनी एक्साइटेड हो गई कि मुझे मंगाना पड़ा इनके लिए। और अब आप देख सकते हैं कि ये कैसे खा रही हैं। अरे बाप रे बाप, ऐसे कौन खाता है। वैसे बच्चों को ज़्यादा केक नहीं खिलाना चाहिए, बट अभी जब बच्चा इतना लालची हो जाए तो क्या किया जाए। पहले तो उसको खिलाना ही पड़ेगा ना, और बच्चों के लिए कोई चीज नुकसान नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा सब कुछ खिलाना चाहिए। और बच्चों का तो मूड होता है, किसी दिन वही चीज खाते हैं, किसी दिन वही चीज नहीं खाते हैं। और इस हैप्पीनेस के लिए इनको केक खिलाया जा सकता है, क्योंकि इतनी खुश हो गई थी केक मिलने के बाद कि क्या ही बताऊं। देखिए इनका फेस देखिए आप, और इससे एक सेकेंड बर्दाश्त नहीं हो रहा था। किसने टीवी में केक देखा, बर्थडे सॉन्ग आ रहा था, तो ये एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर पाई कि इनको केक ना मिले। मुझे तुरंत से इनके लिए मंगाना पड़ा। इनके पापा को कॉल किया और तुरंत मंगाया, तो जाके इनके चेहरे की ये स्माइल देखने को मिली मुझे। तो बच्चों की छोटी छोटी जिद पूरी करने में कोई बुराई नहीं है, और अभी तो फिलहाल ये बहुत छोटी है, 1.5 साल के बच्चों को क्या समझ में आता है क्या जिद है और क्या नहीं है। तो बहुत टाइम है अभी सुधारने के लिए, अभी थोड़ा सा बिगाड़ लिया जाए, अभी उसमें मज़ा भी आता है। और ये देखिए इनका खाने का तरीका। तो अगर आप कभी बच्चा किसी ऐसी चीजों की सडन जीत करे तो कभी कभी मान जाना चाहिए। मैं नहीं बोल रही हूँ हर जीत पूरा करिए, बट कभी कभी मान जाने में कोई बुराई नहीं है। और अब क्या ही पता है, कोई इसको गलत बोलेगा, कोई सही बोलेगा कि बच्चे को इतना केक खिला रहे हैं, और ऐसे वैसे जज करेंगे लोग। बट मुझे लगता है अगर बच्चा खाना चाह रहा है, उससे वो इतना खुश हो रहा है, तो कौन सा रोज खिलाया जा रहा है। कभी कभार देने में कोई बुराई नहीं है। और प्रिशा को मैं कोई भी चीज खाने से मना नहीं करती हूँ। वो तो मत खाओ। पिज्जा भी खाती है, वो केक भी खाती है, वो उसमें बीज है, चिप्स भी खाती है। बट हाँ, ये है कि आप एक लिमिट में खिलाइए, और ऐसा नहीं कि उसकी रेगुलर आदत डला दीजिए कि जो खिला रहे हैं उसको रेगुलर दीजिए। चिप्स वगैरह उसको 1 वीक में एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया चलेगा। केक 10 डेज 15 डेज में एक बार दे दिए चलेगा। तो पेरेंटिंग का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। आपको जैसे अच्छा लगे आप अपने बच्चे को करिए, और आपसे बेहतर अपने बच्चे के लिए कोई नहीं कर सकता। तो कभी किसी और को देख के ना कॉपी करना है, ना खुद को गिल्ट फील करना है कि मैं गलत कर रही हूँ। और रही बात मेरी, तो मेरी प्रिशा का तो खाने में बहुत नाटक है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, कुछ भी खा ले, कुछ भी कर ले,
जिसमें अभी तो फिलहाल मैं अपने आप को फेल मानती हूँ, कोशिश भी क्यों कर रही हूँ, एक ना एक दिन मैं उसको जरूर खिलाना सिखा दूंगी जो वो हेल्दी चीजें खाने लगेगी। मुझे पूरा पूरा अपने ऊपर ट्रस्ट है और अपनी बेटी पे भी। तो आप लोग इससे पहले कि जज करें मैं बता दूं भाई कि बच्चा है, बच्चे बचपना करते हैं, जिद करते हैं, तो आप एक लिमिट अमाउंट में उनकी बातें मानिए, आप उनकी बदतमीजियों को टॉलरेट करिए, बट एक लिमिट अमाउंट में उनकी क्यूटनेस वाली जिद को पूरी करने में कोई बुराई नहीं है। और उतना तो आई थिंक सबके पेरेंट्स करते हैं, हमारे पापा मम्मी तो हम लोग की बहुत जिद पूरी किए हैं और इसी वजह से हम लोग कभी लाइफ में बड़ी गलती नहीं किए, क्योंकि जब हम लोग को ऐसा लगा यार हमारे पापा मम्मी तो मेरे लिए इतना करते हैं तो उनके लिए हम भी कुछ करें, तो आई थिंक सारे बच्चों में इतना तो दिमाग होता है। अभी ये सब बातों के लिए प्रशा बहुत छोटी है, बट अभी से मुझे सोचना पड़ता है ना फ्यूचर के लिए। तो ठीक है, चलिए देखिए इनका केक खाना, एंजॉय करिए, मेरी बातें बहुत हो गई, बाय बाय, थैंक यू। प्रशा केक आने पे कैसे क्लैप क्लैप, कैसे क्लैप क्लैप कर रही हूँ, देखे तो जला कितनी खुश हो केक आने पे, जरा चेहरा देखे तो आहा।